हेलो दोस्तों, आज हम एक छोटे से स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो दोस्तों फंडामेंटली और टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। ठीक है, और वो कौन सा स्टॉक है दोस्तों जिसका जो प्राइस है रॉकेट से भी तेज स्पीड जाने वाला है, बस पकड़ लो, उसके बाद तो आसमान ही दिखना है आपको, जमीन पे नहीं आना। ठीक है, तो कौन सा स्टॉक है दोस्तों जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हो NLC इंडिया। ठीक है, आज देख सकते हो गिरते मार्केट में, अभी देख सकते हो 3 से 4 दिन, मतलब ये जो वीक है कंटिन्यू मार्केट 200 300 पॉइंट जो है गिरते जा रहा, लेकिन ये स्टॉक में आप देख सकते हो दोस्तों 10% का अपर सर्किट है, 10% का अपर सर्किट है। इसलिए अभी भी जो चांस है, जिन्होंने नहीं खरीदा भाई खरीद लो। ठीक है, क्योंकि आप तो पेड सर्विस लोगे नहीं, तो कभी कुछ कुछ तो आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है। ठीक है, कुछ को तो आपको फ्री में दे ही देना चाहिए, क्योंकि डेमो के तौर पर सिंपल भी कोई नाम की चीज़ होती है। ठीक है, तो ये कंपनी को खरीद लो भाई, 59 रुपीज के आसपास आपको मिल रही है। ठीक है, जो भी है थोड़ा थोड़ा खरीदने से कोई फायदा नहीं होगा, 10 रुपया लगाओगे 10 रुपया ले जाओगे, 10 रुपया लगाओगे बस उतने में ही जिंदगी चल जाती है। दम भर खरीदना है जब तक पेट ना भर जाए। ठीक है, ऐसे स्टॉक में पैसा आपको लगाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंपनी के हालचाल के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। कंपनी जो पावर जनरेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, पावर जनरेशन में कंपनी इन्वॉल्व है, और दोस्तों पहले से ये कंपनी जो है बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, क्योंकि आपको पता है अडानी ग्रीन भी दोस्तों बहुत अच्छा चला था जब वो बहुत नीचे था, लेकिन उसके बाद से जब अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ था तो पैसा लोगों का कम से कम 4 से 5 गुना कर दिया था अडानी ग्रीन। ठीक है, उसी तरह दोस्तों मैं आपके लिए दूसरा कंपनी ढूंढ के लाया हूँ। हालांकि एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ दोस्तों, हम पैसे से पैसा नहीं बना सकते, प्लीज। ठीक है, तो आप मैं जो बोलता हूँ वो मेरे शब्दों पर मत जाइएगा, भाव समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं जो भी आपको कंपनी बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई आज खरीदो कल प्राइस बढ़ जाएगा कल निकल जाओ। ठीक है, जो सुबह में वीडियो अपलोड होता है वो अलग होता है, जो इवनिंग में वीडियो अपलोड होता है वो अलग होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट के लिए, खरीदना है, खरीदने के बाद आपको रखना है 2 3 महीने। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद अगर इसका थोड़ा बहुत प्राइस डिक्रीज होगा, क्योंकि आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हो अपर सर्किट मारा है 10% का, तो 2 दिन बाद अगर थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाएगा तो कोई बोलेंगे भाई मुझे तो लॉस हो रहा है, 2 दिन में ही लॉस, 2 दिन, ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं एक चीज़ आपको थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको स्टॉक के बारे में तो बताऊँ लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज भी दूँ। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, भाव को समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अमीरों की सोच, अमीर लोग जैसे कि राकेश झुनझुनवाला तो सब लोगों को पता है, वॉरेन बफेट, ठीक है, और सियोस जोरस, ऐसे ऐसे जो लोग हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक को जब खरीदते हैं तो उनको कम से कम 15 से 20 साल तो रखते ही रखते हैं। ठीक है, 15 से 20 साल, हमारी इतनी मजाल है जो हम 15 से 20 दिन भी किसी स्टॉक को रख लें। तो ये होती है गरीब और अमीर की सोच, गरीब गरीब बनते जाता है, अमीर अमीर और बनते जाता है इसी तरह। ठीक है, क्योंकि दो आप किसी भी कंपनी को खरीदोगे ना, तो आप जितना लंबा रखोगे ना, आप जितना देर तक मार्केट में टिकोगे उतना बड़ा आपको मार्केट प्रॉफिट निकाल के देगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, साल 2 साल में भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप खुद अपने आपसे पूछ लीजिए, आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत लॉस ही हुआ हो, प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसीलिए बात को समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये जो कंपनी है दोस्तों पावर जनरेशन में इन्वॉल्व है, ऐसी कंपनी को आपको खरीदना है। हालांकि दोस्तों कंपनी पहले से बहुत ज्यादा टूट चुकी है, लेकिन अभी अभी का जो प्राइस आपको मिल रहा है दोस्तों बहुत बहुत अच्छे प्राइस पे आपको कंपनी मिल रहा है। ठीक है, तो आपको खरीदनी है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए वीडियो है दोस्तों, 2 3 महीने तक खरीद के रख सकते हो। ठीक है, कंपनी में कोई गड़बड़ होता है ना, कि किसी में कंपनी में होता है, जैसे कि यस बैंक में देख लीजिए छुपा रुस्तम प्रॉब्लम था, DHFL में देख लीजिए छुपा रुस्तम प्रॉब्लम था, PC ज्वेलरी तो भाई लुटा ही दिया सब लोगों को। ठीक है, तो ये कंपनी में कोई भी छुपा रुस्तम प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी छुपा रुस्तम प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ आपके सामने जो है ग्रीन सिग्नल दे रहा है, भाई आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक चीज तो दिखाना चाहता हूँ भाई, प्रमोटर्स की होल्डिंग, कंपनी इतना जोरदार है दोस्तों, प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर्स की होल्डिंग में अगर हम बात कर ले दोस्तों तो गजब की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 81%, 81% कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है। अब समझ लो भाई, अगर आपको आपको यहाँ कितना दिया गया पब्लिक को तो देख लेते हैं, 7% के आसपास दिया गया है, 7% के आसपास दिया है। मान लेते हैं कि कम ये जो स्टॉक का प्राइस है 1% गिरेगा, 1% गिरेगा, कंपनी एक कंपनी का प्राइस जो 1% गिरेगा। ठीक है, 1%, यहाँ देख सकते हो पब्लिक को कितना नुकसान होगा, 7%, लेकिन प्रमोटर्स को कितना नुकसान होगा, 81%।
81%, ठीक है, सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए कंपनी को मैं आपके लिए खोज के लाया हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो ये वो कंपनी जो पॉपुलर है वही बता देते हैं, यस बैंक, DHFL, PC ज्वेलरी, रिलायंस, आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रा, ऐसे कंपनी जो होते हैं इसमें मत पैसे लगाया करो यार। और अभी क्या क्या नए नए कंपनी जो है मार्केट में पैदा ले रहे हैं यार, वो क्या नाम है उनका, आलोक इंडस्ट्री है और एक नीलकंठ, एक छोटा सा और कंपनी है, तो वो सबके पीछे मत जाओ, पैसा डूब जाएगा। मैं भाई नहीं चाहता कि आपको जो है मल्टी बिगर के नाम पे कोई खराब कंपनी बता दूं और आपका नुकसान हो जाए, ठीक है। मैं चाहूंगा कि मेरे जो कस्टमर है या जो मेरे व्यूअर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उनको हो सके कि मैं सही रास्ते पर लेके जाऊँ, भले ही मैं उनको 2 रुपया फायदा ना दूँ, लेकिन नुकसान और गलत रास्ता नहीं दिखाना, ठीक है। तो ये कंपनी में देख लो भाई, अगर मैं दिखाऊँ जून, यहाँ देख सकते हो मार्च 2019 में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितना था, एक मिनट एक मिनट, बहुत ज़्यादा था दोस्तों, 80% के आसपास, यहाँ 81.91, मतलब कि दोस्तों 82% के आसपास था, कब, मार्च 2019 में, और अभी दोस्तों थोड़ा सा डिक्रीज किया गया है, देखिए 83.94, मतलब प्रमोटर चाहते ही नहीं है कि मैं किसी को यहाँ पर हिस्सेदारी दूँ, प्रमोटर चाहते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उनको पता है कंपनी जितना आगे जाएगी प्रॉफिट किसको होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा प्रमोटर्स को, ठीक है। उसी तरह आप IRCTC में देख सकते हो भाई, प्रमोटर्स ने सारा रख लिया है, उसी तरह यहाँ पर भी है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा लॉस होने के कारण थोड़ा जो है प्रमोटर्स ने अपना अपना होल्डिंग घटाया है, लेकिन दोस्तों अभी भी सोच रहे हो ना, 80%, 80% बहुत होता है दोस्तों, 80% बहुत होता है, ठीक है। यहाँ पर तो 80.70, मतलब 81% के आसपास है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी कंपनी में पैसा लगाने जिसमें अच्छा से अच्छा मूवमेंट आ रहा है, तो मैं एक बार जरूर बोलूंगा कि वीडियो तो आप देख रहे हो, लेकिन उससे पैसे लगाने से पहले एक बार आप सोच भी लीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा ना तो प्रॉफिट तो आप रख लीजिएगा, है कि नहीं, हमें तो नहीं मिलेगा। तो एक बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आपको भी सोचना है भाई, ठीक है। कल को अगर कुछ होता है तो आप बोले हो कि नहीं भाई ये है वो होता है, क्योंकि देखिए सेल्फ जो डिसीजन होता है ना वो भी लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सेल्फ डिसीजन लेना सीखिए, जिससे आपको आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा और आप ही को प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्योंकि सेल्फ डिफेंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट दो चीज तो आपको रखना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा देख सकते हैं, और जो भी खरीदेंगे भाई इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदो, जितना लंबा रखोगे उतना बड़ा आपको कंपनी और मार्केट पैसा निकाल के देगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसी आप चाहते हैं कि ऐसे हम डेली डेली नए कंपनी को ढूंढ के लाएं जिससे आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो, तो वीडियो को लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम इससे भी अच्छा अच्छा कंपनी आपको निकाल के दिखाएं जिसमें प्रॉफिट हो, गिरते मार्केट में भी आपको प्रॉफिट निकाल के दे, और जब मार्केट पॉजिटिव रहेगा तब तो मार्केट पॉजिटिव है ही भाई, चलिए वो तो अलग बात है, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा, इसलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।